पहुंचे प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने फूपनगर में आम सभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले अपने पिता की सीट अमेठी को खोया, अब वो अपनी मां की सीट भी गंवा देंगे। भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए सीएम मोहन ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए की चौपाई पढ़ी। सीएम मोहन ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से लेकर के जवानों के सम्मान के लिए कार्य किया है। हर वर्ष पीएम मोदी दशहरा और दिवाली जवानों के बीच जाकर मनाते हैं। खून है वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पर एक बार में अनेक बार जब जब मौका मिला मिंट का आदमी जवान से बात में बोलता है, दिल से बात पहले करता है, दिल से स्वागत करता। मैं आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जिसके निमित्त हम यहाँ बैठे हैं आज इस अवसर पर, 4 तारीख है और हम तो रघुकुल रीत के समय से एक बात बोलते आए भगवान राम के लिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तो लाडली बहना चिंता मत करो, आपके पैसे डल गए खाते में 1250 रुपया। ये भाजपा की जवान है, मोदी जी का समय है। जो ये घोषणा पत्र में बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। अब करके कैसे दिखा रहे हैं? माँ बाप के बेटे बेटी है पप्पू जी आपके इस विधान लोकसभा में भी आए थे, घर में बड़े बाप के यहाँ पैदा हो गए तो अमेठी से चुनाव लड़ा दिया। एक चुनाव बिना उसके नड्डा जी के और बिना हमारे अपने अमित जी के जीत गए माननीय मोदी जी के शासनकाल के पहले, और दूसरी बार में वहां से हार गए तो घर का माल वो भी खत्म कर दिया और यहाँ से भागे केरल, और केरल में जाकर वहां जब इस पार गए डप्पी बज रही वहां पे भी, वहां से भागे तो वापस अपने उस जगह पे नहीं आए जहां से लड़ने गए। अब अपनी माँ की सीट पे आए तो माँ का माल भी खत्म कर रहे हैं, बाप का पहले खत्म कर दिया, माँ का आप खत्म कर रहे हैं। इनके लक्षण दे अलग से कोई पुरुषार्थ पराक्रम नहीं मिलेगा। अमेठी से हार कर गए वायनाड, वायनाड से हार के डर के मारे आए रायबरेली। जब अमेठी से रायबरेली आ रहे थे तो भाई बहन ने टिकट कराई थी कि तुम यहाँ रायबरेली से प्रियंका लड़ लेगी, अमेठी से वो लड़ लेंगे। इनके पहले जीजा जी ने पोस्टर लगा दिए थे कि नहीं मैं लड़ूंगा, ना वो लड़े जीजा ना उनकी अपनी बहन लड़ी। बीच में घुस गए पप्पू जी, जिसको कहा जाए बहन बेटी का हक भी मार रहे हैं। देखो तो सही, इनको बहन बेटी की जगह भी नहीं छोड़ रहे, उसकी भविष्य की संभावना को खत्म कर दिया।